नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी के दो बड़े अपडेट। जी हाँ, आप दोनों को ये अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से, और एक न्यूज आप बैड मान सकते हो, एक न्यूज अच्छी मान सकते हो। बाकी मेरी नजर में दोनों ही न्यूज अच्छी है। इसमें आपको बेनिफिट क्या होंगे वो भी हम इस डिटेल पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे। एक टॉपिक ये कि 15 मार्च से सऊदी के वीजा से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग स्टॉप हुए थे, बंद हुए थे, वो दोबारा रिस्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड बता दूं कि सऊदी में लेबर लॉ में बैंकर बदलाव हुआ है। जी हाँ, वेरिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड हम बात करेंगे। लेबर लॉ का मतलब इंडिया से दुबई आप सऊदी जा रहे हैं तो भी इतना आसान नहीं रहेगा, या फिर वहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं रहेगा। दोनों पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं टॉपिक पे आपको बात बता देता हूँ कि सऊदी का जो बंबई में जो वाणिज्य दूतावास है, वहां पे 15 मार्च से वीजा से रिलेटेड या फिर कोई भी आपका काम है वो रीस्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप बॉम्बे की साइड से जितने भी स्टेट के वहां पे कवर होते हैं आप काम करवा सकते हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली में भी ये काम स्टार्ट हो चुका है वीजा से रिलेटेड, तो ये अच्छी न्यूज है। हालांकि इसमें एक एक बात नोट कर ले, फ्लाइटें चालू नहीं है भाई। आप ये सोचो वीजा का काम स्टार्ट हो गया तो फ्लाइटें चालू हो जाएंगी, नहीं, डायरेक्टली कोई सीधी फ्लाइट नहीं है सऊदी के लिए। आपको इनडायरेक्टली जाना होगा किसी भी देश से, चाहे आप यूएई से जा रहे हो, चाहे आप अलग कोई भी कंट्री से, ओमान, मस्कत, बहरीन, किसी भी कंट्री से, कतर से जा रहे हैं, वहां पे आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद आप सऊदी में जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नियम उन्होंने फिलहाल बताया है। हो सकता है इस नियम में कोई चेंज हो जाए, कोई फेरबदल हो जाए, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। आज तक की जो न्यूज है वो मैंने आपको बता दी। आगे हम बात कर लेते हैं कि सऊदी के लेबर लॉ में बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ साथियों, सऊदी के वुमेन्स रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि सऊदी में जो वर्कर हैं उनका हम दोबारा से उनका जॉब वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ, अब जॉब वेरिफिकेशन में यहाँ पे समझ लीजिए भाई कि जॉब वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग सऊदी में पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको आज 10 साल, 5 साल, 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको हम दोबारा से उनका जॉब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि उनकी हम एग्जाम लेंगे, उनका टेस्ट लेंगे कि वो उस काम में पास होते हैं या फेल होते हैं, एक नंबर पॉइंट पे। दूसरा नंबर पॉइंट पे आप इधर आ जाइए कि आप अब से 2021 में, हो सकता है अप्रैल से, मार्च, अप्रैल मई से, जब से भी स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यूज वगैरह, जब वीजा दोबारा से रिस्टार्ट हो जाते हैं तो उस दौरान हम उनका 2 बार इंटरव्यू लिया जाएगा। जी हाँ, 2 बार जॉब वेरिफिकेशन किया जाएगा। हालांकि ये पहले से ही चल रहा है प्रोसेस, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो कम था, अब पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाएगा दोबारा। मान लीजिए आप जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, मान लीजिए आप जा रहे हैं मेसन के काम में, दोनों अलग अलग है हो गए ना, ऑफिशियल या फिर व्हाइट कॉलर जॉब या फिर ब्लू कॉलर जॉब। पासपोर्ट दे देते हैं एजेंट को, एजेंट वीजा लगा देता है, अपने को भेज देता है, अपने को वहां काम आता है नहीं आता चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलने वाला। जी हाँ, इसका रीजन वहां की मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में स्किल्ड वर्कर आए, अच्छे काम वाले आए, जिस ताकि हमें हमारे देश में बेनिफिट हो सके। जी हाँ, वर्कर अच्छे वर्कर ही आए, फालतू के जो कचरा पट्टी जिनको अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं, जिनको कुछ आता ही नहीं है, वो भी उसी जॉब में चले जाते हैं। एक अच्छा कारीगर, एक नंबर का एक उसके साथ है, उसको कुछ आता ही नहीं है, फिर भी वो बराबर सैलरी ले रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। इसका मतलब है वीजा में प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ, इंडिया से अगर आप वीजा अप्लाई करोगे आप जिसकी भी कैटेगरी में, तो आपका इंटरव्यूज होगा, आपका जॉब वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आपका वीजा लगेगा, फिर आप जाओगे, फिर आपका दोबारा वहां पे इंटरव्यू होगा। हो सकता है इंडिया में तो आप सेटिंग करके कुछ भी कर कर आके आपका वीजा लग जाएगा, लेकिन वहां पे क्या करोगे, जब आपका जॉब वेरिफिकेशन होगा या फिर आपका दोबारा इंटरव्यूज होगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीजें ध्यान रखने की बातें हैं भाई। सऊदी में जो है उनका जॉब वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और उनका आपके मैं बता दूं जॉब के साथ में उनका मैं बता दूं वर्क जो वीजा है ना उनके साथ उनका लिंक कर दिया जाएगा कि भाई इस बंदे का जॉब वेरिफिकेशन हो चुका है, उसको फिर दोबारा जॉब में आसानी से अगर वो चेंज करना चाहे तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उसका लिंक हो गया ना, गवर्नमेंट वेरीफाइड हो गया वो, कि भाई तो सरकार की नजर में वहां के मंत्रालय की तरफ से कि भाई इस बंदे को ये काम में परफेक्ट है, तो दोबारा कहीं अप्लाई करता है तो उसको आसानी से दोबारा जॉब मिल जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बैड न्यूज माने या फिर अच्छी न्यूज माने, मेरी नजर में अच्छी है भाई, क्योंकि अच्छे जो इनके पास स्किल है
जो अच्छे लिखे हैं धुरंधर उस जॉब में उस काम में, उनके लिए अच्छी सैलरी के प्रावधान होंगे, अच्छी उनको सुविधा मिलेगी। और वहां पे जाके किच पिच जिनको बोल सकते हैं ना कि वहां पे एजेंट ने हमें 1500 रियाल बताई, 1200 रियाल बताई, हमें यहाँ पे इतना मिल रहा है, एजेंट लोग यहाँ पे बता के आपको भेज देते हैं, और वहां पे जाके आपका इंटरव्यू होता है तो आप नहीं बोलते कि हमें यहाँ पे इंटरव्यू करवाया गया, हमें काम नहीं आया, हमें लेबर में डाल दिया, ये बात आप कभी नहीं बोलोगे। ये फैक्ट बात है, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि यहाँ से एक मजदूर आदमी या कोई भी आदमी 1200 की सैलरी में, 1500 की सैलरी में जाता है किसी भी देश में, वहां उसको सैलरी वो फोन करता है कि तूने 1500 बताई, मेरी यहाँ 900 रुपए सैलरी लगी है, मैं तो वापस आऊंगा, मेरे पैसे वापस कर दे, ऐसे वैसे गालियां वगैरह। लेकिन वो ये कभी नहीं बताएगा कि मुझे इस जॉब के लिए तूने मुझे भेजा था, वहां पे मुझे इंटरव्यू दिया गया, इंटरव्यू में फेल हो गया, इसलिए मुझे कंपनी ने सैलरी कम कर दी या फिर उसको लेबर में डाल दिया, ये बात आप बिल्कुल नहीं बताओगे, क्योंकि ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमी है। आप कमी को एक्सेप्ट कर लोगे तो एजेंट तक बात आने की नौबत नहीं आएगी, इस पूरे प्रोसेस से झंझट से आप निकल जाओगे। अगर आपको किसी काम में जाना है तो आपको काम सीखना पड़ेगा, या फिर उसमें परफेक्ट हो गए तो ही आप जा पाओगे, वरना आपको सऊदी में आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पर रह रहे हैं उनका भी जॉब वेरिफिकेशन दोबारा से किया जाएगा, उनका इंटरव्यूज लिया जाएगा। जी हाँ, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।